चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देने के बाद उनके आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट पर खतरे का बादल मंडराने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि सलमान खान ने हाल ही में अबू धाबी में अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 की शूटिंग तो पूरी कर ली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की ये भी माने तो कुछ दिनों की शूटिंग अभी बाकी है। अब देखना यह है कि सलमान खान के दोषी देने के बाद इन फिल्मों का क्या हर्ष होता है। आपको बता दें कि सलमान खान आने वाली फिल्मों में रेस 3, भारत, दबंग 3 और किक 2 जैसी घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि यह तीनों फिल्मों पर काफी ज्यादा पैसा लगने वाला है। एक उम्मीद के अनुसार करीब करीब सलमान खान के ऊपर 600 से ज्यादा करोड़ के आसपास बजट लगाया गया है। अब देखना यह है कि फिल्म निर्माताओं को कब तक 600 करोड़ का नुकसान होगा या फिर फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू होगी। आपको बता दें कि सलमान खान जल्द ही अपने प्रिडिक्शन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि सलमान खान की आने वाली सीरीज में बिग बॉस सीजन 12 के साथ साथ 10 का दम भी टीवी पर प्रसारित होने वाला है। सलमान खान के टीवी शो 10 का दम का तो प्रोमो भी आउट कर दिया गया है। ऐसे में निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।